नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द जी न्यूज़। मैं मौजूद हूँ बुद्धा स्मृति पार्क के पास, जो पटना जंक्शन के पास में ही, और देख सकते हैं तस्वीरें जो है अब पूरी तरह से भारत बंद का असर थोड़ा थोड़ा सड़कों पे दिखने लगा है, क्योंकि ठंड का काफ़ी मौसम था, जिसको लेकर किसान बिल को लेकर आज जो है CPI माले के लोग भी सड़कों पर निकल चुके हैं और देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सड़कों के किनारे, कह सकते हैं सड़क पे ही खड़े हैं। और जिस तरह से तस्वीर आपके, नारेबाजी हो रही है, पूरी तस्वीर आपके सामने है, और ये लोग धीरे धीरे जो डाक बंगला चौराहा पे एकजुट होने जा रहे हैं और पूरी तरह से भारत बंद का असर देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, किस तरह से दसजी न्यूज़ हर तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहेगा और आगे भी आपको लाइव दिखता रहेगा, क्योंकि हर पार्टी, विपक्षी पार्टी जो है एकजुट होकर पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं और किसान बिल को लेकर आज भारत CPI माले के लोग निकल चुके हैं। क्या सर, आज भारत बंद है जिसको लेकर? हम लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग आज सड़कों पे हैं। भारत बंद किसान विरोधी जो काले कानून हैं उसके विरुद्ध है, और हम लोग ये मांग करते हैं जो किसान विरोधी काले कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए, उसे वापस लिया जाए। और आज पूरे बिहार में किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बिहार की तमाम विपक्षी पार्टी, वामपंथी दल, RJD आज मैदान में हैं, सड़कों पे हैं, और गांव से लेके पटना तक, राजधानी तक सारी दुकानें बंद हैं, परिवहन सेवा ठप है, और किसानों के आंदोलन का बिहार की जनता गर्मजोशी के साथ CPIM समर्थन करती है। लेकिन पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो भी किसान बिल है वो सही है, लेकिन ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं इस तरह के। देखिए, प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलते हैं, हम लगातार देख रहे हैं, ये लोग जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं। किसान कोई भ्रम में पड़ने वाला नहीं है, और चूंकि ये मंडी व्यवस्था खत्म कर देंगे, आज किसान, बिहार के किसान आप देखिए, धान का पैदावार हुआ, धान बिचौलियों को हाथ 910 रुपये क्विंटल बेचना पड़ता है, जबकि 1868 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसलिए भारत सरकार गुमराह कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात ये करते हैं तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा, छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में, कारपोरेट के हाथों में पूरा हमारी खेती, हमारी किसानी को सौंपने का ये जो है काला कानून लाया है। और जमाखोर लोगों को पूरी इजाज़त दी जाएगी, जितना जमा करना हो, मकई जमा करेंगे, आलू जमा करेंगे, प्याज जमा करेंगे। और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं संजय जायसवाल की 70 सालों से कांग्रेस राज कर चुकी, उसके उस समय किसान को लेके बारे में क्यों नहीं सोचा गया, जब हम लोग किसान के बारे में सोच रहे हैं तो आज पटना की आज की बात करो, नरेंद्र मोदी जी या संजय जायसवाल जी, आज तुम्हारे खिलाफ किसान सड़कों पे है, तुम पुराने जमाने की बात क्यों करती है? ये लॉकडाउन का आपने इस्तेमाल किया, आपने श्रम विरोधी कानून बनाया, जो काम था 8 घंटे उसको बढ़ा के 12 घंटे कर दिया, सारे चीज़ों की कीमतें आज बढ़ गई, बेरोजगारी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा देश के अंदर है, 14 करोड़ लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है वो बेरोजगार हो गए। विपक्ष राजनीति कर रही है, किसान सड़कों पर नहीं है, ये विपक्ष का राजनीति, विपक्ष किसान के आंदोलन के साथ खड़ा है, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कारपोरेट परस्त राजनीति कर रही है, कंपनियों के हवाले खेती, कंपनियों के हवाले हमारे किसान को करने की राजनीति भाजपा कर रही है। जो किसान मोर्चा संगठन है वो भी सड़कों पर निकल चुके हैं और तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत बंद किसान विरोधी बिल को लेकर, और किसान जिस तरह से कह रहे थे कि कोई भी प्रदर्शन में झंडा और बैनर लेकर नहीं निकलेंगे, लेकिन तस्वीरें यह है कि हर पार्टी अपने अपने झंडा और बैनर के साथ सड़कों पर निकले हैं और जिस तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से अखिल जो कह सकते हैं किसान कानून को लेकर आज पटना की भारत बंद को लेकर निकल चुके हैं, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारत बंद का असर अब धीरे धीरे सड़कों पर दिखने को मिल रहा है। किसान बिल को लेकर आज सड़कों पर आप निकली हैं? बिल्कुल, आज पूरा देश बंद है, किसानों ने बंद कर का आह्वान किया है, और पूरे बिहार के आप देखिए नज़ारा, सुबह से ही तमाम ट्रेनें बंद हो रही हैं, लोग NH जाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के किसान उनके साथ हैं, मगर आज नीतीश कुमार देख लें कि बिहार के किसान भी पूरी तरह
ताकत के साथ है। आज किसान आंदोलन जो 3 बिल सरकार ने लाया है, उस 3 बिल के वापसी के खिलाफ आज पूरे बिहार के और पूरे देश के आंदोलन किसान आंदोलन रत है और ऐतिहासिक भारत बंद है। लेकिन पक्ष कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग, तो राजनीति करना बुरा क्या है? आप किसान के विरोध में राजनीति कर रहे हैं, भाजपा पूरे किसानी को खेती को कारपोरेट के हवाले करने की राजनीति कर रही है, तो पूरा देश उसके विरोध की राजनीति कर रहा है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन किसान कह रहे थे कि आप लोग बैनर पोस्टर लेके ना निकले किसान को लेकर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी हम लोगों ने समर्थन किया है, हम अपनी अपना झंडा बैनर के साथ ही निकलेंगे, इसमें उनका कोई विरोध नहीं है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से नारेबाजी हो रही है, पट्टा की सड़कों का ये नज़ारा है और ये बुद्धा स्मृति पार्क के पास का ये तस्वीर है और लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और जिस तरह से किसान बिल को लेकर कह सकते हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ और किसान बिल को लेकर। MSP को वापस लो, वापस लो, MSP से छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो। MSP जो है उसको लेकर आज पटना की सड़कों पर निकल जाए, काला कानून को लेकर पटना की सड़कों का ये नज़ारा है और तस्वीर हम उधर अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये बुद्धा स्मृति पार्क का पास का है और धीरे धीरे लोग डगमगला पर एकजुट होने लगे हैं और कृषि कार्य को और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिसको लेकर भी माले के लोग, मतलब कई ऐसे मांग को लेकर आज कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरह से कह सकते हैं प्राइवेट कर दिया गया, वो सारी मांगों को लेकर भारत बंद बुलाया गया है और किसान का समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से। विपक्ष पार्टी एक तरफ हो चुकी है और पक्ष का कहना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हो रहा है किसान के साथ। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे दस दिन उसके साथ।